హరే కృష్ణ. అంత జీవితంలో ఇదే మహారాజు రామారాయణ సర్వప్రథ అమర జై హిందీ దానా ওইটা বাংলার মধ্যে শুনতে কেন কারণ কারণ কি জানেন তো আমার ভাষা হিন্দি মানে আর আমার ভাষা বাংলা মানে আমার ভাষা আর একটা ভাষা এই জন্য আমি যখন বলি বাংলা আমি মনে হচ্ছে হিন্দি হচ্ছে আর মানে হিন্দি বলি মনে হচ্ছে তো বাংলা বলছে বুঝতে পারছেন তো এই জন্য আমার হিন্দিটা বাংলা বাংলা যেন বুঝতে পারছে আর গুজরাট বুঝতে পারছে সর্বপ্রথম অষ্টাধ্যায়ী গোপাল কৃষ্ণ ఇతరిలా ప్రవిష్ణు విష్ణు పాద శ్రోతర సదశ్రీ శ్రీ శ్రీమాద్ భక్తి శ్రీరు సిద్ధాంతి గోస్వామి మహారాజ్ కి చరణ కమలమే అనంత ప్రతి సాష్టాంగ దగవత్ ప్రణామ కర్తా తత్పశ్చాత్ వశిష్ఠా గురుపాద పద్మ ఇతరిలా ప్రవిష్ణు విష్ణు పాద శ్రోతర సదశ్రీ శ్రీ శ్రీమాద్ భక్తి వేదాంత శ్రీలో నారాయణ గోస్వామి మహారాజ్ కి చరణ సరళమే శ్రద్ధా పుష్పాంజలి అర్పణ కర్తా ఉపస్థితి శ్రీ పరమ పూజ్యవాది పరిప్రాజ్ఞ మహారాజ్ మాధవ మహారాజ్ ధన మహారాజ్ రామచంద్ర ప్రభు భక్తి సాయి మహారాజ్ శ్రీ కిరణ్ మహారాజ్ సమస్త సబ్ వైష్ణవ వైష్ణవ కి చరణ చేతాలు కో ప్రణామ కర్తా ఆజ్ హమ్ లోగ్ కా బహుత్ బహుత్ హీ అచ్ఛా దీజియే హమ్ సబ్ కే సబ్ శ్రీ नव दिन धाम परिक्रमा करने के लिए हम सबके सब उपस्थित हुए. साधारण भाग्य से ये नव दिन धाम में कोई आ ही नहीं सकते. जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में पैसा की बल हो जो काम पैसा की बल पर कर सकते हैं. जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में जनबल हो जिस जन बल को करने जो काम को हम कर सकते हैं. जगत में ऐसे कुछ काम है उससे भी ज्यादा बल है क्योंकि ये मन की बल है. जगत में ऐसे कुछ काम है जो काम को हम सिर्फ मन के बल पर कर सकते हैं लेकिन उससे सबसे ज्यादा बल दिया है क्योंकि ये आत्मा बल है. जगत में ऐसे कुछ काम है जो कि आत्मा बल की बल पर हम कर सकते हैं लेकिन श्री नवद्वीप धाम ने परिक्रमा में आना और गुरु वैष्णव के आनुगत्य में ये ब्रजमंड श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करना कहते न तो कोई जन बल से कर सकते हैं न तो कोई मन बल से कर सकते हैं न तो कोई अर्थ बल से कर सकते हैं न तो कोई आत्मा बल से कर सकते हैं. जब तक श्री गुरु वैष्णव की श्री सच्चिदानंद गौर हरि की कृपा की बल नहीं हो कहते धाम में कोई आ ही नहीं सकते और ये धाम का कोई परिक्रमा कर ही नहीं सकते. इसलिए हमको लगता है हम लोग गोपर में श्री गुरु वैष्णव की श्री सच्चिदानंद गौर हरि श्री नित्यानंद प्रभु की हम लोग गोपर में कोई कृपा की बल है तभी हम लोग श्री नवद्वीप धाम में परिक्रमा करने आ पाए. तेरे साधारण व्यक्ति की बात तो छोड़ दो. इसलिए श्री भागवत के एकादश स्कंध में बता रहे हैं साधारण जीव की बात छोड़ दो स्वर्ग के देवता लोग भी इसी कलयुग में श्रीमद् महाप्रभु के धाम का परिक्रमा करना चाहते हैं. कहते केवल देवता लोग नहीं सत्य युग को कृत युग मानी गई है क्योंकि उसी युग में धर्म चार चरण में रहता था. तृतीय युग का लोग कहते जहाँ पर राम राज्य कहते हैं जहाँ पर किसी तरह का आध्यात्मिक आदि दैवी आदि होगी किसी तरह का जहाँ पर कष्ट जहाँ पर नहीं है. क्या द्वापर युग में जहाँ पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म प्राप्त तत्व जिसको ब्रह्मा कहते हैं अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रज उपसाम जन्मित्र परमानंदन पूर्ण ब्रह्म सनातन. जहाँ पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन जहाँ पर कृष्ण स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है जहाँ पर लता सरोवरी प्रेमोदो भवती ऐसे कोई अवतार हुए हैं जो लता कथाओं को भी प्रेम प्रदान किए हैं ऐसे जो द्वापर युग के लोग हैं वे लोग भी इसी कलयुग में जन्म ग्रहण करके ये नवद्वीप धाम में परिक्रमा करने के लिए वो भी चाहते हैं लेकिन उनकी नसीब नहीं उनकी सौभाग्य नहीं ये नवद्वीप धाम और श्री महाप्रभु को आनुगत्य में भजन करना उनके लिए भी असंभव है. अपना दूसरा से हमारी हिंदी
किया है तो इसलिए ये लोगों ने ये कलयुग में जन्म ग्रहण करके श्रीमान महाप्रभु के आनुगत्य में कहते श्री जुगल सरकार की ये भी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए लेकिन इनकी सौभाग्य भी नहीं होता है। इसलिए आप लोग जो नवद्वीप में हम परिक्रमा करने आए ना, आप करा जा रहा जे कलयुग से सत्तर तृतीय द्वापर युग में लोग रहो स्वर्ग देवताओं पर्यंत एक कलयुग में जन्म ग्रहण करे श्री सच्चिदानंद गौर हरि भजन करते चाहे किंतु तादर भाग्य हो एक नवद्वीप धाम परिक्रमा तादर भाग्य हो चुके ना अगर जा रहा एक महाप्रभु धामे से श्रीमन महाप्रभु धामे परिक्रमा करते अपना तादर थो सौभाग्यवान अपना बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। अतः उन लोग के लिए भी दुर्लभ है लेकिन वो सौभाग्य आज हम लोग को सौभाग्य नहीं। इसका मतलब इसका तात्पर्य जितने देवता लोग भी है ना आप लोग देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। आप लोग देवता पता नहीं आप ये विश्वास हो पाएगा कि नहीं लेकिन ये भागवत ये बात कह रहा है ये देवताओं से भी सौभाग्यवान है सत्य त्रेत्य द्वापर युग के लोग है। इसलिए लगता है आप लोग सत्य सब सबसे त्रेत्या द्वापर युग में आए होंगे इसलिए उनकी भगवान की विशेष कृपा हुई तभी ये कलयुग में आकर के आप लोग ये महाप्रभु जी भजन कर रहे हैं। इसलिए ये साधारण भाग्य की बात नहीं लेकिन अपना रहना साधारण लोग का अपना रहना साधारण लोग बोले तो ये महाप्रभु धामे से परिक्रमा करा दूबे स्वराज आनु रहते तत्क्रम होते पर ना लेकिन अपना कोटि कोटि जन्मे सौभाग्य थे एक जन्म नहीं कोटी कोटी जन्म सौभाग्य की सौभाग्य भक्ति उन्मुख सुकृति और भक्ति उन्मुख सुकृति को अलग अलग प्रकार आपसे एक आज भक्ति उन्मुख सुकृति नारायण के द्वारा भजन करे एक आज राम के द्वारा भजन करे और एक आज श्री कृष्ण के द्वारा भजन करे किंतु अपना जो भक्ति उन्मुख सुकृति ना एक साधारण भाग्य ना है एक आज महाप्रभु धारा के द्वारा ऐसे थे एरा तो स्पेशल हो अपना हमने विशेष सौभाग्यवान व्यक्ति समस्त देखे हो लेकिन अगर अनेक सौभाग्य जो महाप्रभु धामे से हमारा परिक्रमा करते से थी बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। अपने बांगल के देखना मुझेरा भक्ति बनेगा हिंदी में पूछे आप लोग बसे आते मेरे तो ताक आते एक समय आप एक कोई भी बात कर लो एक समय श्री शंकर जी को माता पार्वती प्रश्न करती है बोले प्रभु हरि अनंत हरि कथा अनंत आपका अनंत मुंह में आप तो सिर्फ हर समय प्रभु की कथा सुनाते रहते हो लेकिन मैंने तो भगवान की बहुत सारे नाम सुने हैं जैसे कृष्ण कथा कभी सुनाते हो राम की कथा कभी सुनाते हो कभी नारायण की कथा सुनाते हो लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ आप लोग से कभी कभी आपका मुंह से श्री सच्चिदानंद गौर हरि का नाम भी आता है कभी कभी आप श्री चैतन्य चैतन्य का नाम लेते हो कभी कभी श्री गौरा का नाम लेते हो वो गौरा को कौन है और वो सच्चिदानंद गौरव है कौन आप क्यों बीच बीच में सच्चिदानंद गौरव हरि और श्री महाप्रभु का नाम क्यों लेते हो। जब श्री माता पार्वती प्रश्न की शंकर जी का हृदय तो एकदम धगधग हो गया बाप तुमने क्या प्रश्न किए क्योंकि महाप्रभु का संबंध प्रश्न की जब महाप्रभु की संबंध प्रश्न की संपूर्ण महाप्रभु का जो लीला है उनके हृदय में सारी महाप्रभु लीला प्रकट होने लग गई। शंकर जी प्रसन्न होकर के माता पार्वती को आलिंगन करते हैं बल इसलिए तुमने इतने सुंदर प्रश्न की क्योंकि उमार मा सत्या सची चंद्रारूपी राधा अवतार सबे आप नायवानी तो ये लोग कौन हैं बल्कि सबके सबसे राधा रानी की ये सबके सब प्रकाश हैं राधा रानी ही अनंत रूप में रूप धारण करते हुए सबकी सेवा करती हैं इसलिए तुमने इतने सुंदर प्रश्न किए उन्होंने उनका आलिंगन किया। तब श्री शंकर जी श्री चैतन्य महाप्रभु कथा स्वयं शंकर जी चैतन्य महाप्रभु कथा सुनाते हैं
अरे पार्वती, उनका नाम है गौरहरि। बोले उनका नाम गौरहरि नाम क्यों पड़ा? कारण क्या है? बोले राधा कृष्ण प्रणय विपरीत शक्ति रसमान देतात्मना भूमि पुरा देहा गौतौ तौ चैतन्य प्रकट मधुना तद्वयम् चैकमाप्तम् राधा भाव दूत सुवलितम् नवमी कृष्ण स्वरूपम्। बोले चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोले राधा कृष्ण प्रणय विपरीत शक्ति रसमा। बोले राधा रानी कौन है? बोले कृष्ण प्रेम को अगर एक रूप दिया जाए तो ये सुंदर राधा रानी। तत्वतः राधा कृष्ण कोई अलग नहीं, तत्वतः राधा कृष्ण एक ही है, लेकिन केवल लीला रस को आस्वादन करने के लिए दो हुए हैं। लेकिन इसी कलयुग में स्वयं श्री कृष्ण चंद्र, स्वयं कृष्णचंद्र जब श्री द्वापर युग का लीला समाप्त हो गया, जब कृष्णचंद्र गोलोक वृंदावन में गए, एक दिन निकु जन में बैठ करके अपना हिंदी दूसरा से ना अपना सवाल एक इंडिया से और ना से यहाँ पर इंडिया से कितने लोग हैं? कोई है यहाँ पर? एक दो कोई है? इसलिए श्री जब कृष्ण श्री गोलोक वृंदावन में कृष्ण गए, एक दिन कृष्ण निकुंजन बैठ करके बड़ा गंभीर चिंता में निकुंजन बैठ गए। बोले क्यों? बोले मेरे मन में जो कुछ इच्छा थी मैंने सारी इच्छाओं को मैंने पूरी की है। मैंने स्वयं भगवत का सार होते हुए भी, मैं स्वयं होते हुए भी भक्तों का प्रेम में सखाओं को साथ मैंने स्वयं भगवान होते हुए भी मैंने सत्य रस को आस्वादन की और अपना भगवता को हमने भूल करके कभी कंधे पर भी सखाओं को बैठाया, कभी सखाओं को चुमने में लाया, बात्सल्य रस में भगवान होते हुए भी मैया ने तेरे कुकुल में बात की। अगर तुम मैंने मक्खन चुरी थी तो मैया कहते लाला तुमने मक्खन चुरी थी। कभी कभी मैंने मैया से डरते हुए बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो, इसलिए मैया से डरते हुए मैं स्वयं स्वयं मैंने मैया मैंने मक्खन नहीं खाई, बोले मिट्टी खाई। बोले ना हम भक्सितवान हो मैं भगवान होते हुए मैया को दर्शन के लिए झूठ भी बुला रहे, इसलिए मैं भगवान होते हुए भी मैं स्वयं गोपियों के चरण में प्रेम मैंने भीख भी स्वयं मांगे। और जहाँ पर राधा रानी अगर कोई मान करती है उनके मान को मनाने के लिए कभी कभी मैं स्वयं उनके चरण में घनसिट रख दिया, मयूर मुकुट भी रख दिया। कहते स्मर धरल खंडन हम सिर से खंडन देही पद पल्लव उदारम, हे राधे क्यों आज इतने मान की तुम्हारे चरण में सेवा कर। मैं स्वयं भगवान होते हुए भी इनके प्रेम में मैं स्वयं बसी हुआ, लेकिन एक चीज मेरे सर के ऊपर से चला गया जो चीज मैं समझ नहीं पाया वो क्या है? तो राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, मेरे क्या अद्भुत रूप है जिसको मैं स्वयं देते दे दे दे, अपर कलित पूर्वम दस्तमत दानकारी स्वयं अपना परछाई को देख करके मैं स्वयं दुग्ध हो जाता था। पर ये कौन है? तब मैं राधा रानी बन करके ये स्वरूप में तब मैं आलिंगन करूं, मैं स्वयं राधा जी के प्रेम में स्वयं मुक्त हो करके तेरा जब तक मैं स्वयं श्री राधा रानी बन करके नहीं जाता हूँ, राधा रानी कैसे कृष्ण प्रेम में दीवानी बन करके कैसे श्री राधा रानी बेहोश हो जाती है जब तक मैं स्वयं राधा जी भाव और अगर आप लेकर नहीं जाता तब तक ये चीज उन्हें समझ नहीं पाऊंगा। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी के भाव और अगकांति लेकर के श्री सचिनंदन गौर हरि मंदिर के आते हैं और स्वयं आदर स्वरूप में वो कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं। इसलिए श्री शंकर जी कहते हैं पार्वती कि जो कृष्ण ही स्वयं कलयुग में श्री राधा जी के भाव अगकांति लेकर के आए, इसलिए इनका नाम पड़ा गौरव हरि। गौरव हरि मतलब गौर मतलब श्रीमती राधा रानी गोरी, हरि मतलब कृष्ण, ये राधा कृष्ण दोनों मिलकर के श्री एक रूप हुए कौन श्री? ये श्री चैतन्य महाप्रभु। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्रीमन महाप्रभु की, ये स्वयं कृष्ण ही महाप्रभु बन गए थे। बल्कि
चैतन्य नाम क्यों पड़ा, बल्कि इसलिए इसका नाम चैतन्य पड़ा, सृष्टि से पहले एक ये चैतन्य रूप में, एक केवल ये चैतन्य रूप में ये एक ही थे, हैं? इसको बाद में जब उनकी लीला करने की इच्छा हुई और राधा कृष्ण रूप में अनंत रूप में प्रकाशित होकर के अनंत रूप में लीला की, इसलिए इनका नाम श्री चैतन्य इनका नाम है। जब ये बात को पूछे तब श्री शंकर जी कहते पार्वती, अगर ये जो एक दिन से अनंत गए श्री महाविष्णु के पास में जाते हैं, बल्कि महाविष्णु आपका आशीर्वाद से मैंने हर धाम को मैंने दर्शन किए, हर धाम को मैंने दर्शन की, लेकिन अभी तक श्री वृंदावन धाम में दर्शन की सौभाग्य नहीं हुई, मैं चाहता हूँ श्री वृंदावन धाम जाना। देखो श्री महाविष्णु क्या कहते हैं, बोले वृंदावन धाम, वृंदावन धाम साधारण भूमि ना है, तुम्हें वृंदावन जैसे जैसे ये वृंदावन की साधारण भूमि ना है, वृंदावन धाम तुम्हार कथा चढ़ जाओ। महाविष्णु वचन आप ही कर देते सही वृंदावन धाम देते जाती है, हमारे कथा चढ़ जाओ जे स्वयं कामदेव साई कृष्णो गर्भदत्त साई कृष्णो स्वयं प्रियापति साई कृष्ण कर भी ये वृंदावन धाम में एनारो प्रवेश रही थी, ये तीनों विष्णु भी अभी तक वृंदावन धाम में इन्हीं में प्रवेश नहीं हुई। अब तुम्हारी बात छोड़ दो, वो उदाहरण देते कि अगर कोई इच्छा करे कुत्ते का पूछ पकड़ करके ये समुद्र को पार कर ले, जैसे असंभव है उसी तरह से वृंदावन धाम जाना भी असंभव है, इसलिए श्री महाविष्णु कहते हैं, महाविष्णु बोलते वृंदावन धाम साधारण धाम ना है, वो खाली जावा को साधारण धाम ना है, वो खाली आमी पर जब से वृंदावन धाम प्रवेश करते वाली अन्य को विष्णुराव प्रवेश करते वाली वृंदावन क्या क्या किए थे, वृंदावन कौन कौन गए भाग क्या, तो वृंदावन क्या क्या किए थे, कहा वृंदावन के महाराज धाम में चल रहा था बात कर सकता अपना नवदीप धाम ऐसे ना नवदीप धाम ने कल के महाराज बोल से ना नवदीप धाम धामे किया है वृंदावन धाम को जावा हो ही रहा था कह रहे इटा लो गुप्त वृंदावन इटा लो गुप्त वृंदावन देखा ने ले ही नवदीप धाम पर जावा फल की तरह वृंदावन जावा का फल भी वृंदावन का नहीं है चेतो नहीं बात अपने बिल्कुल दूसरा तरह हाँ एक ना अपना सवाई वृंदावन वो भी रस करता सवे वृंदावन में भी जाना था इसलिए बोलते वृंदावन धाम जावा बोले साधारण तो मैंने वृंदावन धाम में प्रवेश इतने आसानी नहीं है कि आप और हमारी बात छोड़ दो स्वयं लक्ष्मी वृंदावन धाम में जो लोग गए थे देखना वो जमुना की पुष्पा में लक्ष्मी को देखना हर समय कैसे मेरे बैठ हुई रहती है लेकिन आपसे वृंदावन जाओ वहां पर बैल करके देखो लक्ष्मी कैसे करके बैठी हुई है फिर बिहाय तमाम सुजरत हित कथा तथा श्री नारायण वैकुंठ का सुख को भी त्याग दे करके कठोर तपस्या कर रहे हैं आप और हमारी बात को छोड़ दो लक्ष्मी भी प्रवेश नहीं कर पाए बोले लक्ष्मी की बात को छोड़ दो पितामह ब्रह्मा कहते वो भी वृंदावन धाम में इनकी भी प्रवेश नहीं कहते तब हुई भाग्य यह जन्म की अटव्या जब गोकुला की कथा माधुरी रजो भी सकम जहाँ पर ब्रह्मा स्वयं जब उन्होंने बछड़े और उन्होंने सखाओं को चोरी की जब उनको पता चला कृष्ण स्वयं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि नादि गोविंद सर्व कारण कारण जब ब्रह्मा जी को ये बात पता चला ब्रह्मा जी बोले कि ग्वाल ग्वाल करना चाहे तो नहीं 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 बोले हमारे कोई सखा से बोले नहीं नहीं बोले वृंदावन में कोई पशु को भी बोले नहीं 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 अक्सर के ब्रह्मार एक श्लोक सुनाते हैं ब्रह्मार याद है जब गुलमा कीटक का उठाई एक श्लोक सुनाते हैं रघुनाथ दास को कहते हैं वृंदावन में जितने गुलमा लता कीट पतंग जितने हैं वो कोई साधारण नहीं ये सब के सब कृष्णा लीला की अनुकूल में कृष्ण लीला में मदद करने वाले थे और फिर क्या चाहते हो ब्रह्मा जैसे व्यक्ति कहते हैं कहते अगर ब्रज का बाहर जहाँ छोटे जाति के व्यक्ति रहते हैं उनकी घर को सामने अगर पत्थर जन्म भी हो जाए अगर मेरे सर पर ये चरण को रगड़े अगर इन्हीं की अगर चरण को ले मिले तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा कौन कहते ब्रह्मा और उद्धव जी कहते आशा मोह चरण रेणु दुषा मोह श्याम वृंदावन में गुलमलता औषध मित्र रूप में उद्धव चाहते हैं नारद जी
लेकिन के लिए संकट जी गोपी बन करके आए, लेकिन उनको गोपियों ने वृंदावन से निकाल दिया है। कितने महिमा श्री वृंदावन नाम की, साधारण बात नहीं, वृद्धि महाविष्णु कहते हैं। तो प्रश्न है भैया वृंदावन प्रवेश नहीं हो सकता है? बोले हाँ एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? अगर कोई गोपियों की आंखें भजन करे फिर कोई प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो वृंदावन धाम प्रवेश नहीं कर सकते। यदि एक गोपी तेरे आंखों करते कर प्रवेश करता है तो भैया गोपी तक कैसे करे? तो गोपी तेरे आंखों करते हो साधारण बता दी, गोपी तेरे आंखों करते हो साधारण बता दी। उद्धव ब्रह्मा नारद वो भी चाहते हैं। अभी प्रश्न है सर ये वृंदावन धाम को प्रवेश नहीं कर सकता है? शंकर जी कहते हैं एक सरल उपाय है। तो क्या सरल उपाय है? अगर कोई श्री नवद्वीप धाम में आए, वही कृष्ण ही कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि मंदिर के श्री नवद्वीप धाम में अभिभूत प्रकटित हुए। अगर कोई श्री नवद्वीप धाम में जाए, एक बार श्री नवद्वीप धाम में कितना गौर आमार जैसा बसाने कैसी हाल में आकर निकलोगे? गोता लगाओगे तो यहाँ पर, लेकिन निकलोगे यहाँ पर श्री कैसी हाल में वृंदावन में? जब एक उपाय श्री नवद्वीप धाम गुरु वैष्णव ग्रह आते होते नवद्वीप धाम में केवल तीर्थ परिक्रमा करके नीचे थे के कोई जो दुर्लभ प्रेम आज वृंदावन धाम में प्रवेश नीचे थे के ही से वृंदावन धाम में जीवन মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু গুরু বৈষ্ণবদের বিশেষ বিশেষ কৃপা আছে। আপনার উপর গুরু বৈষ্ণব কা মহাপ্রভু কা বিশেষ বিশেষ কৃপা হে। इसलिए हम लोग श्री नवद्वीप धाम में परिक्रमा करने के लिए आए हो। हम एक बोल करके अभी अभी और बहुत सारे महाराज लोग है, अभी नवद्वीप धाम की महिमा लोग बहुत अच्छे अच्छे बताएंगे। हम एक शेष करो एखन अनेक महाराज आछे खूब भालो भालो कथा अपना बोलबे सुंदर सुंदर कथा बोलबे। हम एक कथा समाप्त करछी। हम मैं यही पर कथा दूसरा करता हूँ महाराज के लोग आप लोग का सुंदर सुंदर कथा सुनाए ठीक है। लगा छा कल उधर बस कर कृपा सिंधु है कथा।